सेंट्रल में अभी जो चल रहा है वहां जैसे आसाम उड़ीसा आज हम है देखेंगे कि वहां इस पर सैलरी जो स्केल कि के अंदर पोस्ट होती है हमने अलग आगे बेसिक लेवल की तो वहां सैलरी पर स्किल टेस्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट करके आज आता है। दूसरी सैलरी सीट है कंप्यूटर उसमें स्किल एम्प्लॉय टेस्ट नंबर या ना कई दिए हुए हैं जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती और है बेसिक सेंट्रल पे दिया गवर्नमेंट हुआ है उसमें सिर्फ इसके बाद स्किल यहाँ पर टेस्ट देने से या अलावा मतलब डीए निकालना है तो स्किल मेडिकल टेस्ट गवर्नमेंट जो निकालना है फिर जो रिटर्न वहाँ एग्जाम के बाद जो भी कंप्यूटर स्किल यहाँ टेस्ट लॉ होता है इंस्ट्रूमेंट प्रोविडेंट फंड या फिर स्किल टेस्ट होता प्रोटेक्शन है तो उसमें उसमें एक्सेल वो आपको कैसे फाइंड करना है मैं कैसे यहाँ एग्जाम्पल पर बेसिक में ये अमाउंट पूछते देखिए हैं और उसका कि कैलकुलेशन देने कैसे से करना उस है वो आज पर हम देखेंगे। देखेंगे। उससे तो पहले ये हमारी हमने यहाँ पहली पर एग्जाम्पल स्पाइस हमने दी टेस्ट है है कि ऐसी सीट हेडिंग को बनाइए। आपको पॉन्ड कैम्ब्रिया देना यहाँ है पर साइज 11 आपको रखना है याद रखना पॉन्ड है टी कोई में भी आप लाइट लिख ब्लू रहे हो कि कलर यहाँ देना से स्टार्ट करना है है। एक्सेल पॉन्ड एम्प्लॉय नेम कैम्ब्रिया फिर बेसिक साइज फिर 11 बीए एचआरए नेक्स्ट ग्रॉस कौन सैलरी टैक्स सा कलर देना बीएफ है टोटल लाइट रिडक्शन डिडक्शन फिर फिर कलर और रेड रेड कलर सेलेक्ट यहाँ से इसको और और यहाँ यहाँ पर ब्लू पर कलर ये देना एम्प्लॉय के नाम है। दिए लास्ट हुए में हैं रेप टैक्स का यूज करना है तो ये और आप फिर पहले लिखोगे तो ऐसा आएगा पहले ये क्या स्किल है टेस्ट बेसिक होता है सैलरी है तो इसको आपको बेसिक क्या करना सैलरी है कोई भी चीज फिर नीचे इसके डाल बाद दो हमको डीए उसको निकालना है रेप डीए टैक्स मतलब करना रेनेस है और अलाउंस इसकी शॉर्टकट फिर फिर एचआरए हाउस एचआरए रेंट अलाउंस और लास्ट में क्या अल्टर करना है क्रॉस ग्रॉस सेलर सैलरी अल्टर करके एंटर करो तो ये तो जो जैसे पहले आपको तो ये जो इसे भी लिखना अमाउंट है लिखे उसमें ध्यान फिर रखना यहाँ डीएनएस डीएनएस लिख जीरो जीरो एक एंटर अल्टर एंड एंटर आवर करो और फिर ज्यादा यहाँ रखो पर नीचे रखो तेरे के वरना मेडिकल आपका है स्केल आंसर गलत नीचे ये लिखना है तो अल्टर एंटर करो तो फिर पहले नीचे यहाँ पर या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आप स्पेलिंग सिंपल लिख दो फिर स्पेलिंग हेडिंग करके यहाँ पर क्लिक में करो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हेडिंग मतलब हेडिंग में सब अब इफेक्ट देनी है यहाँ फॉन्ट पर एरिया एक देना है अपने क्वेश्चन हो गया फिर फॉन्ट की दूसरा साइज क्वेश्चन 12 रखनी है और कैलकुलेशन स्किल रेनेस अलाउंस स्टैंडर्ड फॉर कलर लाइट ग्रीन 79 एंड पॉइंट परसेंटेज ऑन बेसिक पहली तो जो बेसिक या ऑफ हेडिंग बेसिक बेसिक वो वो सिलेक्ट क्या करनी होता है मतलब फर्स्ट रो तो सिलेक्ट बेसिक करनी का है आपको फॉन्ट कितना निकालना 79 पॉइंट यहाँ पर एरिया देना है इक्वल टू तो यहाँ करना से है आप एरिया लिख दो बेसिक का एरिया लाइट सेल मतलब B2 आएगा साइज इंटू यहाँ से 79 12 परसेंटेज परसेंटेज फिर क्या करना है और एक बार स्टैंडर्ड ना कलर लाइट ऊपर ग्रीन कॉर्नर में जाओ तो ऐसा फील ये कलर ऑप्शन है आएगा प्लस का तो यहाँ उसको पर फील करना ये ऑप्शन है फील कलर कहीं भी लिखा हो तो ये बॉक्स फिर आएगा कलर का कैलकुलेशन बॉक्स मेडिकल इसको कहते अलाउंस हैं यहाँ फील पर कलर मेडिकल तो अलाउंस यहाँ यहाँ से इसे इसका कितना है फाइव स्टैंडर्ड परसेंटेज परसेंटेज देना है है बेसिक लाइट ग्रीन ग्रीन करना है ये बेसिक ग्रीन कलर है कलर इसमें इसमें लाइट लाइट ग्रीन ग्रीन किया है तो तो यहाँ फाइव पर आप परसेंट कर्सर ले जाओगे तो यहाँ फिर पर इसको क्या लाइट करना ग्रीन है कलर आ फिर जाएगा और दूसरा फिर क्या क्रॉस किया सैलरी है दी हुई है तो बोला है क्रॉस सैलरी बोल्ड क्या करना इफेक्ट है तो यहाँ पर सब ये लिखना है बोल्ड के ऊपर बेसिक पे फील प्लस करना है देने बोल्ड से अलाउंस इफेक्ट प्लस मेडिकल अलाउंस तो ऐसी इसी तरह एग्जाम में कई बार क्या इज है इक्वल टू कि करके सॉफ्टवेयर बेसिक में पे इनेबल होती है प्लस शॉर्टकट देने की से वजह से अलाउंस आप प्लस बेसिक है बोल्ड बोल्ड है है इटालिक है फिर अनाटैलिक इसको क्या करना है या यहाँ पर दूसरे भी जो फील भी ऑप्शन है उसका आप यूज कर सकते हो फिर और लॉन्ग नीचे पर इंस्टॉलमेंट होता और है फिर प्रोविडेंट इसका फंड शॉर्टकट यहाँ भी पर दिया इसे है यूज तो नहीं लॉन्ग करना है सिर्फ इंस्टॉलमेंट आपको में ही ये फंक्शन का यूज है। कैलकुलेशन है 20% पहले इसका क्वेश्चन ग्रॉस ग्रॉस सैलरी सैलरी लिखा ग्रॉस सिंपल सैलरी लिखा का था जो उसमें 20 पॉइंट परसेंट इसके की लॉन्ग साइज इंस्टॉलमेंट बोल्ड देना इफेक्ट और बेसिक ये पे फील ऊपर कलर किया है क्रॉस ये सैलरी आपको ग्रॉस वाला सेल मतलब B2 फिर इंटू अब H कैलकुलेशन स्टार्ट होता है तो इसमें लिखा है फिर क्या करना है कैलकुलेशन ग्रॉस डीए सैलरी 88 फिर प्रोविडेंट फंड परसेंटेज 77 और परसेंटेज बेसिक बेसिक ऑफ बेसिक बेसिक लिखा लिखा है है तो ये वो आपको लिखने पे इसको बेसिक बेसिक का के सेल कितने परसेंटेज सेवन निकालने परसेंटेज 88 परसेंटेज तो बेसिक का कैसे सेवन सेल निकालोगे परसेंटेज तो निकालना इज इक्वल फिर टू आता करना है है इनका यहाँ पर डिडक्शन आप यहाँ क्या पर जैसे कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन इज मतलब इक्वल वन टू जो जो है डीए डीएफ कितना होगा ये सामने नोट वाला करो ये बेसिक और है प्रोविडेंट फंड तो वो डीडक्ट सेल करो को इसका क्लिक टोटल करना है करना है क्लिक करोगे तो तो ऑटोमेटिक यहाँ ये पर सेल पूरा का लॉन्ग लॉन्ग इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट प्लस प्लस प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड नेम आ जाएगा इज तो ये इक्वल क्या है टू बी टू B2 मतलब मतलब है ये प्लस बी प्रोविडेंट की फंड लाइन में टू है तो बी टू सेल वो आ जाएगा लॉन्ग इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई प्लस प्लस कितने प्रोविडेंट परसेंटेज फंड निकालो 88% और फिर क्या परसेंटेज करना है की साइन इसको तो कोई भी एक का परसेंटेज परसेंट आपको निकालना है तो फिर ऐसे नेट सैलरी में क्या ढूंढना तो है तो नेट बेसिक का सैलरी में होगा क्या तो होगा बेसिक की का ये सामने सामने वाला वाला सैलरी सैलरी सिलेक्ट वो हमारी करेंगे तो कितनी बीटू आ सैलरी में जाएगा से ये डिडक्ट और इज इक्वल टू इज से माइनस स्टार्ट करना है इज इज इक्वल टू इक्वल होगा टू फिर सामने वाला क्रॉस सेल बी सैलरी टू माइनस इनटू टोटल डेट 88 और लास्ट में परसेंटेज और की फिर क्या साइन करो यहाँ परसेंटेज से की साइन के लिए सिफ्ट के साथ फिर 500 मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एंटर ढूंढनी है और नेक्स्ट एंटर कर मिनिमम दे तो इसके बाद आपको एरिया क्या क्या करना है है सभी में अलग एक अलग लिखा है एक बार ही मेन कॉर्पोरेट परफेक्ट ला का दो करना फिर है यहाँ रेंज पर ये कॉर्नर सिलेक्ट में जाना है और कॉर्नर में फिर जाओ तो ये यहाँ छोटा प्लस का बेसिक निशान से आएगा लेके यहाँ तक फिर इसको फील बी टू करना से है सी सेवन मैक्सिमम एक्सेल में आप कोई भी एक चीज पे ये लाओ क्या तो आएगा फिर आपको मैक्स यहाँ पर और कॉर्नर में इसकी रेंज जाके सिलेक्ट करनी ये है क्या यहाँ करना पर है लिख फील यहाँ करना रख है और फिर बाद में फिर ऐसी तरह सेम ठीक है है ओके।
कैलकुलेशन दोनों एच आर है, दोनों 50% और या बेसिक बेसिक के आपने परसेंटेज निकालना है, 15 को पहले बड़े प्लस से इज इक्वल टू कॉर्नर में, या बेसिक के है तो बेसिक का सेल सामने वाला सिलेक्ट करना है तो B2 आ जाएगा। क्वेश्चन ने के अंदर 50 क्रिएट ट्री चार्ट ऑफ एब्डोमिनियम बेसिक पे कॉलम बेसिक पे निकाल बेसिक 15% बेसिक का सेल दिया है, कितना सिलेक्ट करो डेटा यहाँ से लेके यहाँ पर ला दो तो इंसर्ट में जाओ, भी चार्ट लाना है आगे हमने कैसे जैसे ये ला दिया लाइन कॉर्नर में जाओ छोटा प्लस कॉलम चार्ट लाना कॉलम इसमें 2D है 3D है ऐसी तरह यहाँ पर 2D चार्ट फिर बटन भी कहते हो सब कोई भी आप कर सकते हो ऐसे सिंपल फर्स्ट शीट ले लेते ये है ग्रॉस सैलरी आया तो इसको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हमको निकालनी आ रहा है तो ग्रॉस सैलरी में क्या होता है बेसिक के साथ और सबका टोटल मतलब क्या आएगा ग्रॉस, ये सेंटर है ये राइट साइड इसमें लिखा भी हुआ है लेफ्ट साइड ग्रॉस सैलरी जो भी अपने प्लस डीए प्लस एच आर लेफ्ट साइड अदरवाइज सम तो ऐसी तरह स्किल टेस्ट दोनों से आप कर सकते हैं दोनों यहाँ पर सेलेक्टिव है तो पहले कैसे ऐसी तरह कोडिश करते हैं तो इज इक्वल टू करते कोई भी परसेंटेज निकाल बेसिक का वो कैसे जिसका से B2 पर प्लस फिर ग्रॉस सैलरी प्लस से प्लस एच तो ऐसी तरह यहाँ ये लोन में क्या इज इक्वल टू करना है टोटल टैक्स बेसिक का से नेट सैलरी में प्लस वो सब प्लस कई बार ये नेट सैलरी में और एक बार आ जाए तो उसको क्या करना है ये प्लस करना है कई बार नहीं लिखा होता आप पर दूसरे यहाँ पर लिखा है कि बेसिक के साथ ऐसी तरह उसे डेने से कर सकते हो दूसरा सम करके सिलेक्ट रेंज कर लो बेसिक डीए एच और टोटल डिडक्शन है इज इक्वल टू सम और नेट चल रही है तो क्या करना है ब्रैकेट स्टार्ट करना है सम करके ब्रैकेट स्टार्ट करना है यहां रेंज यहां से लेके माइनस करना है तो कई बार यहां से यहां पर लेके आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक रेंज आएगी वो कौन सी चीज प्लस होगी कौन सी चीज में ब्रैकेट क्लोज और ये मिनिमम है तो बेसिक सूत्र ऐसे आता है एक बार ला दिया तो फिर यहां मैक्स में टूटना है तो मैक्स का ही होगा तो जो भी गवर्नमेंट ऐसी तरह टेस्ट एग्जाम देते हैं यहां पर टैक्स अलग-अलग जैसे एसएससी एग्जाम हो गया या कोई भी टैक्स में क्या स्टेट होगा यहाँ पर हो गया कैलकुलेशन टैक्स 10% ऑन ग्रॉस सैलरी टेस्ट ग्रॉस सैलरी को उनके में ग्रॉस सैलरी का कितना परसेंटेज निकालना है 10% फंक्शन आपको एक्सेल का इज इक्वल टू करके ग्रॉस सैलरी कहां पर है जैसे बेसिक वर्क जो भी ये वाला सेल से यहां पर काम टू आ जाएगा उनको जो भी काम करना है उसके हिसाब से यहां पर आ जाएगा फिर ये ला दिया फिर इसको समझाए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब पीपीएफ है प्रोविडेंट फंड थैंक यू 5% ऑन बेसिक बेसिक का